हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार ट्यूटोरियल, क्योंकि इसमें हम बनाने वाले हैं ऐसे थंबनेल्स जो कि बहुत ही आई कैची है और मिनिमलिस्टिक है, क्योंकि इस तरह के थंबनेल्स बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें एडिटिंग इफेक्ट्स बहुत कम लगता है। सिर्फ मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है जो कि आपकी यूट्यूब गेम को और भी इम्प्रूव कर सकता है। तो चलते हैं फोटोशॉप के कैनवास पे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बना लूंगा। जो कि रेड कलर में होगा। और ऑल्ट होल्ड करके इसको यहाँ पे साइड में स्लाइड करूंगा तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। अब इसका कलर चेंज करूंगा ग्रीन में। अब इसके बाद व्यू सिलेक्ट करके व्यू ऑप्शन से गाइड्स ओपन कर लेंगे। अब दोनों रेक्टेंगल को ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं और दोनों रेक्टेंगल के जो स्ट्रोक्स हैं वो मैं जीरो में सेट कर दूंगा। अब कंट्रोल ओ प्रेस करके जितने भी मटेरियल्स चाहिए सब ओपन कर लेते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसको काट करना पड़ेगा। उसके लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क में क्लिक करके जहाँ जहाँ पे भी ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ वो करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट करके एकदम जूम करके जितने भी पार्ट्स ठीक से एडजस्ट करना है, करेक्शन करना है वो कर सकते हैं। ऑल्ट होल्ड करके माउस की राइट बटन को क्लिक करके अगर राइट पे स्लाइड करेंगे तो ब्रश का साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट में ब्रश का साइज डिक्रीज होता है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रॉपरली हो गया। अब इसको एक न्यू लेयर में लाने के लिए आउटपुट टू न्यू लेयर विथ लेयर मास्क सिलेक्ट करके ये जो सब्जेक्ट है इसको नया लेयर में ला सकते हैं। अब इसको ड्रैग करके हमारा कैनवास के ऊपर ले आएंगे और एकदम ऊपर में इस लेयर को ले आएंगे। अब इसको ब्लैक कलर करने के लिए पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद फोरग्राउंड में ब्लैक कलर सिलेक्ट करके ऑल्ट बैकस्पेस क्लिक कर लेंगे और रेस्टरेज लेयर करना मत भूलिए। अब इसमें थोड़ा सा आउटर ग्लो ऐड कर दूंगा ताकि और भी ज्यादा सुंदर लगे, मतलब एक ग्लो इफेक्ट आए इसमें से। तो सेटिंग्स आप देख सकते हैं, पिन लाइट है, ओपेसिटी 100% है और स्प्रेड 20% और साइज 32% में है।
अब जो ग्रीन कलर का फोटो है इसको कैनवास के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और इस वाले लेयर को ग्रीन रेक्टेंगल के ऊपर रख दूंगा। और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे सिलेक्ट कर लेंगे तो ग्रीन वाले रेक्टेंगल के ऊपर ही इसको इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसको एडजस्ट कर लेते हैं ठीक से अपने हिसाब से। और रेड वाले फोटो को भी ऐसे ही लेके आएंगे यहाँ पे रेड रेक्टेंगल के ऊपर। अब दोनों फोटो का ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके डार्केन कर दूंगा ताकि वो डेप्थ देखने को मिले। अब इसमें ऐड करना है पाइल ऑफ मनी। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कैनवास के ऊपर और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। ग्रीन एरियास में मनी ज़्यादा रखना चाहता हूँ मैं, तो इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। थोड़ा सा एडजस्ट करके और भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे सेट कर देते हैं। रेड वाले एरियास में कम रखना चाहता हूँ लेकिन दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो इसको भी एडजस्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ पे जो डॉलर्स है इसका कलर थीम के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसको मैच करने के लिए डॉलर को क्लिक करके इमेज ऑप्शन में जाके एडजस्टमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट एंड ऑटो कलर इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि थंबनेल में जो डार्क वाला लुक है उसके साथ डॉलर्स का कलर मैच कर जाए। अब टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो टाइप टूल यूज़ करके हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट में लेने वाला हूँ जियोलॉजी का और बोल्ड वाला। साइज में कर दूंगा 55। अब इसको भी सेम प्रोसेस से ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर सकते हैं।
अब रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँगा जिसका कलर होगा वाइट। और स्ट्रोक 3 पिक्सल का। दोनों साइड में रेक्टेंगल ऐड कर दूंगा। अब रेक्टेंगल के अंदर भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। एक साइड में मैं रख दूंगा 1K। ट्रेडिंग में आपको अगर पता है तो डाउनवर्ड मार्केट में भी पैसा कमा जा सकता है। और फॉन्ट होगा कॉन्सोलास रेगुलर, नहीं इटैलिक। और ग्रीन साइड में मैं लिख दूंगा 1 मिलियन। और जो रेक्टेंगल्स है इनका स्ट्रोक में कर दूंगा 4 पिक्सल। अब इन रेक्टेंगल्स में भी ग्लो ऐड कर देते हैं, आउटर ग्लो। एफएक्स टूल में जाके आउटर ग्लो सिलेक्ट करके सेम सेटिंग्स में ऐड कर देंगे। और उस वाले फोटो में जो क्वेश्चन मार्क्स था ना उसको भी सिलेक्ट करके लेके आएंगे यहाँ पे। और इसका कलर मैं कर दूंगा व्हाइट। एक ही तरीके से जैसे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करे थे वैसे ही क्वेश्चन मार्क को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आ सकते हैं। एंड डन। तो बनके तैयार है एक मिनिमलिस्टिक आई कैची थंबनेल जो बनाना है बहुत ही आसान लेकिन दिखता है बड़ा औसम। और इसको आप अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे तो व्यूज़ तो बढ़ेगा ही, क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा। So now use them and grow your YouTube channel and I will see you on the next one. और हाँ, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।